कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, आज हम आप लोगों को एक दिवाली पे होने वाला लक्ष्मी प्रयोग देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयोग है। लेकिन प्रयोग फलदायी तभी होता है जब आप उसका प्रयोग करते हैं। अगर आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो चाहे वह प्रयोग चाहे इतना अच्छा हो, मंत्र चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन उससे आप लाभ नहीं ले पाएंगे। और ये जो प्रयोग है, ये जो है धन व्यापार जो लोग करते हैं, जो उनके पास धन की कमी है और व्यापार बिजनेस आप करते हैं, तो आप उन इस विधि का और इस मंत्र का प्रयोग करके आप इससे लाभ ले सकते हैं। और ये जो मंत्र है वो एक दिन में सिद्ध होने वाला मंत्र है, यानी एक दिवसीय साधना है ये। और ये होली पे आप कर सकते हैं, और इसका कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है। सामने बाजोट पे आप लक्ष्मी माता के आप फोटो मूर्ति स्थापित करें, उस पर आप भोग रखें मीठे का, और लौंग कपूर पान का पत्ता इलायची आदि भोग के लिए रखें, पुष्प रखें, और आप दिशा जो है उत्तर की या पूर्व की चयन करें बैठने के लिए। आसन आप लाल ले लें, माला आप कमल गट्टे की लें, और इसके बाद आपको सिर्फ एक दिन में 10,000 मंत्र का जाप करते हैं। एक दिन में 10,000 का मंत्र जाप करते हैं, यानी कि जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन आप 10,000 मंत्रों का जाप कर लेंगे। और उसके बाद आप जो है नित्य 108 बार उसे पढ़ते रहेंगे, तो इससे आपके धन व्यापार में लाभ होगा। तो जो गुरुमुखी साधक हैं वो अपने गुरु मंत्र का प्रयोग करेंगे, जो गुरुमुखी साधक नहीं हैं वो अपने इष्ट को नमन करेंगे और उनके पंचोपचार पूजा करेंगे, संक्षिप्त पूजा करेंगे। और जो तामसिक प्रकृति के साधक हैं वह इस साधना को अगर करते हैं फिर भी आप सात्विक तरीके से करेंगे, किसी प्रकार का तामसिक भोग इस साधना में नहीं होता है। तो आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए, मंत्र बिल्कुल सिंपल सा है। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरे पूरे चिंताए दूराए दूराए स्वाहा। ये मंत्र है, मंत्र को मैं पुनः आपको बताता हूँ, आप मंत्र को नोट करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरे पूरे चिंताए दूराए दूराए स्वाहा। जब आप इस साधना को करते हैं तो इस साधना को करने के बाद आपको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं सताती है, और जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगते हैं। चाहे वह आपकी उधारी रुकी हुई हो कहीं, या आपको कहीं से उधार नहीं मिल रहा है व्यापार के लिए, तो ऐसे में आप इस अभी साधना करते हैं तो आपके धन के जो मार्ग हैं वह खुल जाते हैं, जो रुकावटें अड़चने हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। और किसी प्रकार का कोई तंत्र आपके व्यापार पे किया गया है, बंधन किया गया है, व्यापार बंधा हुआ है, वो भी स्वतः ही खुल जाता है, और आपका जो कारोबार है वो चलने लगता है और आप धनवान हो जाते हैं। तो आप इस प्रयोग को कीजिएगा, और जब ये प्रयोग सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो इसको जल में अभिमंत्रित करके आप अपनी दुकान पे व्यापार पे छिड़कते रहिएगा, अपनी गति पे छिड़कते रहिएगा। और जब आप दुकान में बैठें तो सबसे पहले धूप बत्ती अगरबत्ती जब जलाएं तो इस मंत्र के द्वारा धूप बत्ती अगरबत्ती को अभिमंत्रित कर दें। अभिमंत्रित करने के बाद आप जो है अपने गले में घुमाएं, अपनी दुकान में घुमाएं, उसके बाद तब जो है अपना अन्य पूजा पाठ करें। देखेंगे अगर आप ये साधना करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।